नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे क्षेत्र के भीतर न तो कोई घुसा है और न ही हमारी किसी चौकी पर कब्जा हुआ है। हमारी मातृभूमि की तरफ नजर उठाने वालों को सबक सिखाया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे। गोपालगंज के चर्चित खजुरबानी जहरीली शराबकांड के दोषी 21 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया। और प्रदेश में कोविड 19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7290 हुई, अब तक 5098 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न तो हमारे क्षेत्र के भीतर कोई घुसा है और न ही हमारी किसी चौकी पर कब्जा हुआ है। श्री मोदी ने कल भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सर्वदलीय बैठक की। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों ने भाग लिया। श्री मोदी ने कहा कि हमारे 20 बहादुर सैनिकों ने लद्दाख में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया और उन लोगों को सबक भी सिखाया जिन्होंने हमारी मातृभूमि की तरफ देखने का दुस्साहस किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखेगा। सेना को आवश्यक कदम उठाने की पूरी आजादी दी गई है और भारत ने राजनयिक माध्यमों से भी चीन को अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से बता दी है। माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस चाहता है लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज देश में इतनी क्षमता है कि कोई भी हमारी मातृभूमि की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ है। मैं शहीदों के परिवारों को भी विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत शांति और मित्रता चाहता है लेकिन संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्र और उसके नागरिकों के कल्याण के प्रति सरकार की वचनबद्धता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि चाहे व्यापार, जुड़ाव या आतंकवाद से निपटने की बात हो, सरकार हमेशा बाहरी दबाव के खिलाफ रही है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को भरोसा दिलाया कि हमारे सैन्य बल किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश अपने शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। राजनीतिक दलों के नेताओं ने लद्दाख में सैन्य बलों द्वारा प्रदर्शित वीरता की सराहना की। उन्होंने जरूरत के समय में प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा जताया और सरकार के साथ मिलकर रहने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सभी दलों ने स्थिति से निपटने के लिए अपने विचारों को भी साझा किया। बैठक में जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि नेताओं के बीच कोई मतभेद नहीं होने चाहिए और पार्टियों के बीच किसी तरह की असहमति नहीं होनी चाहिए जिसका दूसरे देश फायदा उठा सकें। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश सुरक्षित महसूस करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की व्यापक योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की आज शुरुआत करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट। 125 दिनों के इस अभियान को मिशन मोड स्तर पर लागू किया जाएगा। 50,000 करोड़ रुपए के फंड से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए 25 विभिन्न प्रकार के कार्यों को तीव्र तरीके से लागू किया जाएगा। अभियान के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा जैसे 6 राज्यों के 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों के साथ कुल 116 जिलों को चुना गया है, जिसमें से 27 आकांक्षी जिले शामिल हैं। इन जिलों से 2/3 प्रवासी श्रमिकों के लाभान्वित होने का अनुमान है। आनंद चतुर्वेदी के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें सबसे अधिक 32 जिले बिहार के हैं।
प्रवासी मजदूरों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान में अब अपने गांव में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। देश के विभिन्न भागों से लगभग 35 लाख कामगार बिहार लौटे हैं। इसे देखते हुए राज्य के 38 में से 32 जिलों में इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया गया है। इस योजना को लेकर मजदूर काफी उत्साहित हैं। मेरा नाम मुकुंदर पांडे है। मैं पहले जामनगर में लेबर का काम करता था, लेकिन वहाँ से काम खत्म हो जाने के कारण अभी घर पर आकर के हम लोग बैठ गए हैं। अभी हम लोग कोई काम धंधा नहीं है। योजना के तहत हम लोग को कुछ काम अगर मिल जाता है तो उससे क्या है कि हम लोग को भरण पोषण बाल बच्चों का हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खगड़िया की तेलिहार पंचायत के लोगों से संवाद करेंगे। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत राज्य की एकमात्र इसी पंचायत का चयन किया गया है। सरकार की जो भी योजना है उसका किसी न किसी रूप में यहाँ कार्यान्वयन हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के समन्वित प्रयासों से शुरू किया जा रहा यह अभियान जिलों में जन सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से चलाया जाएगा। राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सभी विभागों को अपनी जरूरत के अनुसार विज्ञापन निकालने का निर्देश दिया है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसमें मुख्य रूप से सड़क, भवन और अन्य निर्माण कार्यों में हुनर रखने वाले मजदूरों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 26 जिलों से कोविड-19 के 250 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,290 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 5,098 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। स्वस्थ होने वालों की दर 70% है। वहीं पिछले 24 घंटों में 5 और कोविड संक्रमितों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएमसीएच के एक जूनियर डॉक्टर भी कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं। इधर राज्य में प्रतिदिन जांच का दायरा बढ़कर लगभग 6,000 हो गया है। इधर देश में कोविड-19 संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,95,048 हो गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,13,831 है, जबकि इस वैश्विक महामारी से अब तक 12,948 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। गोपालगंज के चर्चित खजुरबानी जहरीली शराबकांड के दोषी 21 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। सारण रेंज के डीआईजी विजय कुमार वर्मा ने बताया कि बर्खास्त पुलिसकर्मियों में 3 दारोगा, 5 जमादार और 13 सिपाही शामिल हैं। इनमें से कई अभी अन्य जिलों में पदस्थापित हैं। उन जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में सूचना दे दी गई है। वर्ष 2016 में गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के खजुरबानी में जहरीली शराब पीने से 18 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद जहरीली शराब पीने से हुई मौत का यह पहला मामला था। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के सालिमपुर अहरा से पुलिस ने एक फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये सभी विदेश से आने वाले कॉल को लोकल कॉल में बदलकर बात करवाते थे। इस गिरोह के अंडरवर्ल्ड अपराधियों से साठगांठ के भी सबूत मिले हैं। राज्य सरकार ने पूर्वी चंपारण जिले के लाल बकैया नदी पर नेपाल द्वारा बांध की मरम्मत रोकने के मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है। इस संबंध में जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नेपाल में स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने इस मामले पर नेपाल सरकार से बातचीत शुरू कर दी है। प्रदेश में मॉनसून के आगमन के बाद से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार जून महीने में औसत बारिश का 2 दशक पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। प्रदेश में अब तक औसतन 131 मिलीमीटर बारिश हुई है। 26 जिलों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। इधर मौसम विभाग ने राज्य के पश्चिमी मध्य हिस्से में अगले 4 दिनों तक अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार मॉनसून की शुरुआत से ही हो रही बारिश के कारण धान की खेती के अनुकूल स्थितियां बनी हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि धान की रोपनी बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी है।
लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार की नदियों के जलस्तर में हो रही वृद्धि से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। सुपौल में कोसी बराज से 1,44,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे कोसी की सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। मधेपुरा जिले के आलमनगर प्रखंड के निचले इलाकों में कोसी नदी का पानी फैलने लगा है। वहीं अररिया से सिकटी को जोड़ने वाली ताराबारी बेंगा पथ पर पानी चढ़ जाने से आवागमन बाधित हो गया है। जिले में बकरा, रतबा, परमान समेत कई छोटी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कटिहार में महानंदा को छोड़कर सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा है। वहीं बागमती नदी मुजफ्फरपुर के कटौंझा में लाल निशान से ऊपर बनी हुई है। गंगा नदी का जलस्तर मुंगेर में बढ़ रहा है, हालांकि पटना में अभी यह स्थिर बना हुआ है। राज्य में आगामी 2 महीनों तक नदियों से मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। बरसात में मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुए खुली नदियों से 15 अगस्त तक मछली पकड़ना प्रतिबंधित रहेगा। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि जिन मछुआरों की आजीविका शिकार माही पर निर्भर है, उन्हें चिन्हित कर इस अवधि के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। वित्त विभाग ने कहा है कि कोविड 19 को लेकर घोषित लॉकडाउन की अवधि में संविदा कर्मियों की अनुपस्थिति को उन्हें सेवा से हटाए जाने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि सभी संविदा कर्मियों को मार्च और अप्रैल महीने का पूरा वेतन मिलेगा, वहीं मई और उसके बाद के मानदेय के लिए नए दिशा निर्देश बनाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 8 राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान कर दिया है। विकासशील इंसान पार्टी को 9 चलाता हुआ आदमी सिंबल के रूप में प्रदान किया गया है। ये सिंबल प्रदेश की सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए मान्य होंगे। आगामी 25 जून से प्रदेश के सभी जिलों में राशन कार्ड का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि अब तक 20,95,000 नए राशन कार्ड बना लिए गए हैं। वाहनों के निबंधन प्रमाण पत्र, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है। राज्य सरकार ने अति पिछड़ी जाति की सूची में शामिल नोनिया को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नोनिया जाति को खरिया के समतुल्य मानते हुए ये अनुशंसा की गई है। अगले वर्ष होने वाली मैट्रिक और इंटर परीक्षा का डमी एडमिट कार्ड 22 जून को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। परीक्षार्थी 2 जुलाई तक एडमिट कार्ड की गलतियों में सुधार करवा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 की रद्द की गई परीक्षा का ऑनलाइन आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रस्ताव को शिक्षा विभाग ने मंजूरी दे दी है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। चीन सीमा पर तनाव को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, भारतीय सीमा में न कोई घुसा न कोई कब्जा। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में जल जमाव से बचाव की तैयारियों का जायजा लेने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, अगले 4 दिन तक प्रदेश में अच्छी बारिश के आसार। दैनिक भास्कर लिखता है, भारतीय दवा फेविपिराविर से भी अब कोरोना का इलाज। वहीं आज और राष्ट्रीय सहारा ने कोविड 19 संक्रमण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे क्षेत्र के भीतर न तो कोई घुसा है और न ही हमारी किसी चौकी पर कब्जा हुआ है। हमारी मातृभूमि की तरफ नजर उठाने वालों को सबक सिखाया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे। गोपालगंज के चर्चित खजुरबानी जहरीली शराबकांड के दोषी 21 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया। और प्रदेश में कोविड 19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,290 हुई, अब तक 5,098 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।